हेलो फ्रेंड्स, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम रोज़ मॉर्निंग में करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा इस करंट अफेयर्स वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आज की डिटेल PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने थे। मैंने आपसे पूछा था कि अप्रैल 2019 में दिल्ली की किस टीचर को मार्था फेलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और एक दो बार पहले ही मैं आपको इससे ये क्वेश्चन जो है पूछ चुका हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि अमृता सिंह। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, और दिल्ली के एक स्कूल में जो है ये टीचर हैं। ठीक है, तो इसी के लिए जो है इनको मार्था फेलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की 26 मार्च से 8 अप्रैल के मध्य मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया। मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था 26 मार्च से 8 अप्रैल तक। इनकेस अगर आपसे पूछ लिया जाता कि इसका आयोजन किया कहाँ गया था, तो इसका आयोजन श्रीलंका में ही किया गया था, दियात लावा में। ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि अप्रैल 2019 में भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच बनाए गए ग्राम रीड किस देश के हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ग्राम रीड ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है। तो हर साल 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है, जिसको कि हम हिंदी में अग्निशमक भी बोलते हैं। ये जितने भी हमारे जो फायर फाइटर्स हैं, जो कि आग बुझाने में मदद करते हैं, जब भी कभी इमरजेंसी में कहीं पर भी आग लग जाती है तो इमरजेंसी में हम सबसे पहले जो है फायर फाइटर्स को ही बुलाते हैं। ठीक है, तो आग जो है यही बुझाते हैं, तो इन्हीं के महत्व को समझाने के लिए 4 मई को हम लोग इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाते हैं। इस दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो एक घटना से हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में जो है एक झाड़ी में आग लग गई थी, और इस आग को बुझाने के लिए 5 जो है फायर फाइटर्स को यहाँ पर भेजा गया था ट्रक में, या फिर आप कह सकते हैं जो फायर डिपार्टमेंट की जो बस होती है जिसमें पानी वानी सब भरा होता है, आप इसको ट्रक बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है 5 लोगों को भेजा गया था यहाँ पर, लेकिन अचानक से जो है इसी गाड़ी ने आग पकड़ ली थी और यहाँ पर 5 जो है फायर फाइटर्स की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो 4 जनवरी 1999 को एक प्रस्ताव लाया गया कि जो हमारे फायर फाइटर्स हैं उनके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए इनके लिए कोई दिन होना चाहिए। तो इसके बाद जो है 4 मई को जो है इसके लिए डेट फिक्स की गई, मतलब 4 मई का दिन जो है वो फायर फाइटर्स के लिए फिक्स किया गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर साल 4 मई को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस बैंक पर मनी ट्रांसफ़र नियमों की अनदेखी करने के कारण 11.25 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक की तरफ से यस बैंक पर 11,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जो जुर्माना है वो इसलिए लगाया गया है, जो भी रिजर्व बैंक के जो मनी ट्रांसफ़र संबंधी जो नियम हैं उन नियमों की जो है अनदेखी की यस बैंक ने। ठीक है, जिसके कारण जो है इस पर जुर्माना लगाया गया है। यस बैंक के CEO रवनीत गिल हैं, और यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। ओके, चलिए यहाँ से कमेंट करके मुझे बताइए कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एशियाई विकास बैंक के अनुसार वर्ष 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है। तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक की तरफ से जो बात कही गई है उसमें बोला गया है कि 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जो वृद्धि दर रहेगी वो 5.7% रहेगी, यानी कि जो इकोनॉमी है उसमें 5.7% की जो है ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको। अगर भारत के लिए ग्रोथ रेट पूछा जाता है 2018-2019 के लिए, तो भारत के लिए 7.2% है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, साथ में इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ की हम बात करते हैं कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर जावी हर्नांडेज ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि स्पेन।
स्पेन के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं जावी हर्नांडिस, और इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये जो है जो फुटबॉल क्लब है बार्सिलोना, आपने नाम सुना होगा, इसी के लिए खेलते थे। 767 से भी अधिक मैच जो है इन्होंने इस फुटबॉल क्लब के लिए खेले हैं। 2010 में जो स्पेन ने जो फीफा विश्व कप जीता था, फुटबॉल विश्व कप, उसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जावी हर्नांडिस ने। तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विश्व कप जीतने में जो है मदद की थी इन्होंने स्पेन को 2010 में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इनका नाम। देन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि हाल ही में निम्न में से किसने नाटो सैन्य गठबंधन के प्रमुख सैन्य अधिकारी के रूप में शपथ ली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि टॉड डी वॉल्टर्स ने अभी हाल ही में नाटो सैन्य गठबंधन के प्रमुख सैन्य अधिकारी के रूप में शपथ ली है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये अमेरिकी वायुसेना के जनरल हैं, टॉड डी वॉल्टर्स, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मैसेडोनिया जो है वो नाटो में शामिल हुए हैं, नाटो का 30वां सदस्य देश है मैसेडोनिया, अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, क्योंकि ये भी जो है इसी साल की घटना है, 6 अप्रैल 2019 को जो है मैसेडोनिया शामिल हुआ था नाटो में। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बन गया या फिर बना है, तो मैसेडोनिया आंसर हो जाएगा, ओके। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। इसके अलावा नाटो की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा एग्जाम में, एग्जाम के लिए अच्छे पॉइंट हैं ये 5 के 5, आप याद रख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा लगभग 3600 करोड़ रुपए की लागत से रूस से कितने Kamov-31 हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दी गई है। तो अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से रूस से Kamov-31 हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दी गई है। हमको बताना है कि कितने हेलीकॉप्टर हम खरीदेंगे। सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 10, ठीक है। 10 Kamov हेलीकॉप्टर जो है रूस की तरफ, रूस हमको देगा, यानी कि हम रूस से खरीदेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो ये Kamov-31 है हेलीकॉप्टर है, ये पहली बार हम नहीं खरीद रहे हैं, ऑलरेडी हमारी जो नेवी है उसके पास जो है ये हेलीकॉप्टर हैं, और इनका इस्तेमाल जो है नेवी के द्वारा किया जाता है विषम परिस्थितियों में। तो आप यहाँ पर से देख रहे हैं, यही है Kamov-31 हेलीकॉप्टर, 3600 करोड़ रुपये की जो है, लगभग 3600 करोड़ रुपये की अभी रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिली है। तो इसमें जो है हम लोग 10 हेलीकॉप्टर और खरीदने वाले हैं, यही वाले, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहे महा वजीरा लॉन्ग कोर्न किस देश के राजा हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि थाईलैंड के। महा वजीरा लॉन्ग कोर्न थाईलैंड के राजा हैं, अभी हाल ही में चर्चा में है दो वजह से। एक तो जो है इनका राज्याभिषेक जो है शुरू हो गया है, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है यहाँ पर, जब किसी भी राजा का राज्याभिषेक होता है तो महीनों चलती है उससे जुड़ी हुई जो अनुष्ठान है, ठीक है। तो इन्होंने जो है राजतिलक से जुड़ी जो है जो अनुष्ठान है वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, तो ये नए राजा हैं यहाँ के। इसके अलावा एक और जो बात है वो ये है कि इन्होंने अभी जो है अपने बॉडीगार्ड से शादी की है, ठीक है। तो ये यहाँ पर से मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये हैं राजा जिनके अब जो है अभी मतलब पद पे नियुक्ति के लिए जो है अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, लगभग एक महीने से भी ज़्यादा ये चलेंगे। और इसके अलावा ये इनकी पत्नी है जो कि इनकी बॉडीगार्ड है, ठीक है। तो ये पहले मतलब अब बॉडीगार्ड रह चुकी थी, जो इनकी निजी सुरक्षा दल है उसके लिए जो है ये डिप्टी हेड थी, तो इन्होंने जो है इन्हीं से शादी कर ली है। तो काफ़ी चर्चा में है ये, थाईलैंड में भी ये विषय जो है काफ़ी चर्चा का है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, कि किस देश के ये राजा हैं। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम सुतीदा है, और इनको यहाँ पर रानी की उपाधि दे दी गई है, यानी कि रानी सुतीदा जो है यहाँ की रानी हो जाएंगी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, हालांकि जो ये राजा है इनकी ये पहली शादी नहीं है, इससे पहले भी जो है ये 3 शादी ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, ये जो है मतलब जो ये प्रथाएं हैं उन्हीं का जो है यहाँ पर पालन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में निम्न में से किस शहर की पुलिस ने एक महिला पुलिस गश्ती दल रानी अबक्का की शुरुआत की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि मंगलुरु में। अभी हाल ही में मंगलुरु में एक महिला पुलिस गश्ती दल की शुरुआत की गई है। इस गश्ती दल का नाम रखा गया है रानी अबक्का फोर्स, ठीक है। रानी अबक्का नाम क्यों रखा गया है, तो 16वीं शताब्दी में जो है कर्नाटक की एक प्रसिद्ध रानी हुआ करती थी रानी अबक्का, तो इन्हीं की याद में जो है इस फोर्स का नाम रानी अबक्का फोर्स रखा गया है, ठीक है। कहा जाता है कि जो रानी थी इन्होंने पुर्तगालियों से काफ़ी युद्ध किए थे,
और काफ़ी जो है जिस जिस तरीके से हम बात करते हैं झांसी की रानी की, तो उसी तरीके से जो है इनकी भूमिका भी यहाँ पर कर्नाटक में देखी जाती है। ठीक है, तो बस यही चीज़ याद रखिएगा, दो पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने। देन क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में भारत सरकार ने बादाम, अखरोट और दालों सहित कितने अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी आयात शुल्क लगाने की समय सीमा 16 मई तक बढ़ा दी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 29। 29 ऐसे प्रोडक्ट हैं अमेरिका के जिन पर आयात शुल्क बढ़ाया जाना था, लेकिन अब जो है इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, 16 मई तक जो है आयात शुल्क में यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में जो है किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से अमेरिका ने जब स्टील और एल्युमिनियम, जो हमारे स्टील और एल्युमिनियम के उत्पाद हैं, जब उनके आयात शुल्क में जो है वृद्धि की थी 2018 में, जून 2018 में, तो उसके बाद जो है भारत सरकार ने भी फैसला किया कि हम भी जो है अमेरिका के जो भी उत्पाद हैं उन पर जो है आयात शुल्क बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन जून 2018 से अभी तक हम बढ़ा नहीं पाए हैं, ये डेट जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रह रही है भारत सरकार। ठीक है, तो याद रखिएगा वह फिर से जो है 16 मई तक ये डेट बढ़ा दी गई है, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में किसी तरीके का जो टैक्स है उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि हाल ही में विश्व बैंक ने मार्च 2019 में चक्रवात इडाई की चपेट में आए 3 देशों, जिसमें कि मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी शामिल हैं, इनके लिए कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 545 मिलियन डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की गई है, जिसमें ये जो सहायता राशि है इसमें मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी के लिए जो है इसको खर्च किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी चक्रवात जो इडाई चक्रवात है इसके कारण जो जिन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा है वहाँ पर जो है इस पैसे को खर्च किया जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, तो जल्दी में इनकी नियुक्ति हुई है तो आपको ये याद होनी चाहिए, विश्व बैंक के अध्यक्ष हो सकता है आपको आने वाले एग्जामों में पूछ लिया जाए। ठीक है, डेविड मालपास। देन क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंस्टाग्राम अवार्ड 2019 जीता गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से 3 के 3 सही हैं, यानी कि ऊपर के सारा अली खान, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को इस बार इंस्टाग्राम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि सारा अली खान को राइजिंग स्टार, प्रियंका चोपड़ा को जो है सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली जो है ये अभिनेत्री बन चुकी हैं, इसी तरीके से दीपिका पादुकोण स्टोरी टेलर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, तो 3 लोग हैं यहाँ पर जिनको कि ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, तो आप याद रखिएगा 3 के 3 नाम। चलिए अब बात करेंगे आपके लिए आज के प्रश्नों की, इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में तीसरा सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक बन गया है। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर तीसरा सबसे बड़ा कौन बन गया है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में सम्पन्न हुए ISSF विश्व कप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। ठीक है, चलिए इसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस प्राणी की कॉलचीमेरा फेरीफ्लेक्सा नामक एक नई प्रजाति खोजी है। ठीक है, कॉलचीमेरा फेरीफ्लेक्सा नाम की एक नई प्रजाति खोजी गई है, हमको बताना है कि ये प्रजाति किस चीज़ की है। ठीक है, किस प्राणी की है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आई हो, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।